तीसरे दिन आया था फोन, मेरा हाल चाल लिए थे। क्या बोले फोन पे? फोन पे बोले, क्यों रामचंद्र जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो? कोई छेड़ता तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है? रामचंद्र जी, जो चप्पल और जूता राहुल जी ने बनाया था जी जी, उसका आपको क्या मार्केट में वो मिल रहा है? ये तो नहीं बता सकते जी, बहुत से जगह से फोन आ रहा है जी। दूसरे दिन से उस चप्पल की कीमत लगने लगी। क्या कीमत लग रही है मार्केट? पहले तो कम था, अभी कल हमें एक बंदा प्रतापगढ़ का फोन किया जी। और बोला कि क्यों आपके यहाँ राहुल गांधी चप्पल सिले हैं? हाँ जी सिले हैं जी। बोले वो चप्पल हमें दे दो भैया, 5 लाख हम तुम्हें दे रहे हैं जी। हम कहा भैया 5 लाख रुपए तो हमें नहीं चाहिए, हमें चप्पल देना नहीं है। कहे बोले ऐसे मत बोलो, चलो तुम्हें ऐसी परेशानी 10 लाख देते हैं जी। आप हाँ करो, हम 10 लाख रुपए तुरंत दे देंगे। उसके पहले भी आपके पास फोन आया था कि झोला भर के रुपया दे रहे हैं। हाँ जी, उसको भी बताइए जरा। वैसे फोन आया तो इसी तरह से उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया। फिर उन्हें बोला कि तुम मुंह खोलो, हम थैला भर के झोला भर के रुपया देंगे, तुम मुंह खोलो, कितना चाहिए तुम्हें? हमने कहा अबे फोन रख, हमें चप्पल नहीं बेचना है। क्यों नहीं बेचना? हमें नहीं बेचना है। हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा मसीहा नेता हमारे पास आए, हमारे पास बैठ करके और हमारे दुकान पे उन्होंने चप्पल सिला है। हम उस चप्पल को किसी को नहीं देंगे, उस चप्पल को शीशा में करा के अपने जान के टुकड़े की तरह अपने दुकान में रखेंगे सजा के।